व्हाट्सअप गाइस, आई एम वीर। वेलकम टू मीर की पाठशाला। तो देखिए, आज 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो आपके एसएसटी से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज मैंने सब डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए, जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको उनका जवाब देना है, और जो डिस्कस करने लायक है वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, और बाकी के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसका जवाब आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इनका जवाब मैं लिखने के लिए आपको कंपलसरी करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इसका जवाब आप लिखेंगे तो एक तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बाकी का जिस बंदे को वो पता नहीं होगा उसको वो पता चल जाएगा। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं, एक तीर से दो निशान हो जा रहे हैं। एक आपका भी फायदा हो रहा है, दूसरा उस बंदे का भी फायदा होगा जिसे नहीं पता है। ठीक है, तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचना, आज सबके बारे में सोचना है। ठीक है, तो जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। रॉलेट एक्ट एक ब्लैक एक्ट था एक तरह से। इसमें क्या था, ये कानून बना दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि अगर इंडिया में जो कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग अगर आपको कहीं से खड़े मिल जाए, ठीक है, या आपको शक हो कुछ भी उन पर कि ये गलत एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उन्हें जेल में बंद कर दीजिए। और वो उन्हें कोई राइट भी नहीं था कि वो अपने वकील वगैरह भी कर सके अपनी जमानत वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन, सॉल्ट मार्च का मोटिव क्या था? मेन मतलब मोटिव क्या था सॉल्ट मार्च को चालू करने का या स्टार्ट करने का? तो सिंपल सा था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना। ठीक है, अगला सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट मैं बता देता हूँ, ये एक रास्ता था जो कि इंडिया से, सॉरी, चाइना से लेकर, इंडिया भी आता था इसके अंदर इंक्लूड, इंडिया से भी एक रास्ता जाता था, मान लिया चाइना से लेकर सीधा जाता था और यूरोप तक जाता था। ठीक है, यूरोप तक। तो इस पर ये एक रास्ता था जिस पर सिल्क का व्यापार होता था। ठीक है, तो एक रास्ता जो था वो इंडिया से भी जाके इसमें जाके एक मर्ज हो जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो एक चाइना से और एक इधर इंडिया से निकल जाता था और सीधा जाके यूरोप तक जाता था। ये सिल्क रूट जो था एक रास्ता था जिसके थ्रू सिल्क का व्यापार होता था पुराने जमाने में। ठीक है, तो आज फिर से इस रास्ते को जो है न्यू करने की बात आती है चाइना के द्वारा। ठीक है, तो वो सब बात की बात है, पर फिलहाल इसके बारे में आपको जानना है थोड़ा सा। फ्लैंग शटल क्या था? तो फ्लैंग शटल के बारे में बता दूं, ये एक ऐसे मशीन थी जिससे जो वीविंग ऑफ क्लॉथ थी वो काफी ईजी हो गई थी। तो कपड़े सिलने की एक तरह से मशीन बोल सकते हैं, जो जल्दी से कपड़े बना सके, सिल सके। ठीक है, इस तरीके से। कैलीग्राफी क्या होती है? तो मैं बता दूं, कैलीग्राफी एक आर्ट ऑफ राइटिंग है, मतलब एक लिखने का एक तरीका है जिसमें सुंदर सुंदर राइटिंग लिखी जाती है काफी। ठीक है, तो ये कैलीग्राफी ये था। हाँ, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल। ओल्डेस्ट बुक कौन सी है जापान में प्रिंट होने वाली? तो डायरेक्ट आपको अगर पता है तो आप इसका जवाब लिखिए नीचे। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? ठीक है, तो काफी सिंपल है, इसका भी जवाब आपको लिखना है। अब देखिए, ये वर्ड है प्लेबिसाइट। अब ये डिस्कस करने लगेगा, ये आपको मान लिया नहीं पता तो मैं इसका डिस्कस करूंगा आपको। तो प्लेबिसाइट क्या होता है? एक मान लिया किसी कंट्री के अंदर आपको वोटिंग करानी है। ठीक है, मान लिया लोगों की राय लेनी है कि ये कोई भी, मान लिया आपने कानून बनाया, वो कानून आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या किसी भी और भी चीज़ से जिसमें आपको जनता की सहमति चाहिए। तो जो जनता की सहमति लेने के लिए जो इलेक्शन कराया जाता है छोटा सा, या वोटिंग कराई जाती है, उसे प्लेबिसाइट बोला जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल, अब समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी पहले सिंपल नहीं होगा आपके लिए। अब देखिए, कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है अडॉप्ट करी गई थी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए और काफी सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट किसे बोला जाता है? ठीक है, तो जैसे कि इंडिया के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन बोला जाता है, ऐसे जर्मनी में उनको क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ जर्मनी बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी बंदे हैं आपको उनका नाम पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो मूवमेंट है इसके फाउंडर कौन थे? तो नाम देखिए बड़ा अजीब है, हुआ हाओ मूवमेंट। ठीक है, तो इनके जो फाउंडर कौन थे उनके बारे में आपको अच्छे से बताना है नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसका तो आपको सबके जवाब पता ही होंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये तो सिंपल हो गया, बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? बायोटिक अबायोटिक रिसोर्स क्या है? विंड इरोजन क्या है? ठीक है, और किस एक तरह से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा आपको ये देखना, परमानेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अंडर परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट किस स्टेट के अंदर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। चिपको मूवमेंट किया था? ठीक है, तो प्लांट्स को, मतलब सॉरी, प्लांट कह रहा मैं, ट्रीज को बचाने के लिए लेडीज के द्वारा पेड़ों से चिपक गई थी, हक कर लिया था, इसलिए इसे चिपको मूवमेंट कहा गया था। तो प्लांट को बचा, ट्रीज को बचाने के लिए था। हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर मैं आपको बता दूं क्या है, कि जब फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन कराया था लार्ज स्केल पर एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर भी, उसे बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और सीरीकल्चर क्या है? ये रियरिंग ऑफ सिल्क होता है, मतलब सिल्क जो होता है ना, वो जो कुकून होते हैं उनसे निकाला जाता है, तो उसे सीरीकल्चर बोला जाता है पूरे प्रोसेस को। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है स्विक्स से, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये रहे आपके सामने।
तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एथनिक। तो देखिए आप जब भी सिविक्स का पहला चैप्टर खोलेंगे उसमें डायरेक्ट आपको एथनिक वर्ड मिल जाएगा और आपको पता होना चाहिए एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा उस चैप्टर को खोलिए और इस वर्ड को जानने की कोशिश करिए। और देखिए ये जो है चैप्टर के साइड में दे रखा हुआ है, ये बता दूँ ठीक है, तो इसका मीनिंग पूरा दिया होगा अलग से। दो सब ग्रुप क्या थे तमिल्स के श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल थे ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सिविल वॉर किसे कहा जाता है, तो देखिए ये डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करेंगे आपके साथ। सिविल वॉर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, जब उसी कंट्री के अंदर ही जो ग्रुप्स है या जो कम्युनिटी है वो आपस में लड़ जाए किसी वजह से ठीक है, या गवर्नमेंट के साथ विद्रोह करते हैं कम्युनिटी मिलकर ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है गवर्नमेंट के साथ मतलब जो है कॉपरेट ना करें, ये सब चीज़ें जो सिविल वॉर में आती हैं ठीक है। तो सिविल वॉर होता है गृह युद्ध, इसे हिंदी बोलते हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, तो देखिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया जाता है कि इस कम्युनिटी से ही यहाँ से कोई मेंबर खड़ा हो सकता है, तो उसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कह देते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, तो देखिए कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी में मतलब सीट नहीं जीत पाती है तो उसे क्या है स्टेट पार्टीज के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाती है, तो इसी चीज को बोला जाता है कॉलिशन गवर्नमेंट ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में तो पूरा मैंने आपको बता चुका है, पूरी वीडियो बनाई है पहले, तो आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। रेसिडरी पावर क्या आती है ये सुन लीजिए, तो देखिए हमारे यहाँ पर पहले तीन लिस्ट थी, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन इसके बाद एक लिस्ट और बनाई गई रेसिडरी लिस्ट। रेसिडरी लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें वो सब्जेक्ट लिखे हैं जो उन तीनों सब्जेक्ट में तीनों लिस्ट में नहीं है ठीक है, और जो इस सब्जेक्ट के ऊपर जो पावर्स है कानून बनाने की वो दी गई सेंटर को, तो इसी को बोला जाता है रेसिडरी पावर्स ठीक है। तो रेसिडरी लिस्ट पे एक तरह से कानून बनाने की जो पावर है उसे रेसिडरी पावर बोला गया और ये सेंटर को दी गई है। माइग्रेशन क्या होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाना दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन एक्सटर्नल माइग्रेशन काफी टाइप के भी होते हैं, इमिग्रेशन होता है, बट माइग्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। होमोजेनियस सोसाइटी क्या होती है, तो देखिए होमोजेनियस सोसाइटी वो होती है जहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर जो रिलीजन होता है उसकी मेजोरिटी होती है, बाकी सारे रिलीजन वहाँ पर नहीं हो ठीक है, एक ही पर्टिकुलर रिलीजन वगैरह जो फॉलो करा जाता हो ठीक है, तो वो होमोजेनियस सोसाइटी होती है। सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे बहुत सारे धर्मों को पूरी मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त मतलब यहाँ पे ये यह है कि सबको अधिकार हो अपना अपना धर्म फॉलो करने की ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को वहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया हो, जैसे कि इंडिया ठीक है, इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कम्युनलिज्म क्या होता है, तो वही है देखिए जो रिलीजन के आधार पर रिलीजन को आधार बना के जब संप्रदाय के दंगे वगैरह छेड़ दिए जाते हैं, लोग अंदर ये भावना बढ़ा दी जाती है, तो उसे ही कम्युनलिज्म का नाम दिया जाता है ठीक है। तो सांप्रदायिक दंगे वगैरह जो होते हैं धर्म के जाति पाति के जो नाम पर जो होते हैं उन सबके बारे में होता है ठीक है। बाकी फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट वो मूवमेंट था जिसमें मैन और वुमेन को इक्वल राइट दिलाने की बात होती है, दोनों को इक्वली ट्रीट करने की बात होती है। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कौन अलॉट करता है, तो आपको पता ही है चीफ इलेक्शन कमीशन ठीक है। तो बाकी का देखिए ये है इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को लगे नहीं इससे आएंगे, बाकी अगर आते हैं तो काफ़ी इजी आएंगे ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिविक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी से यहाँ बनते हैं, इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स में ठीक है। तो करेंसी नोट्स जो है इशू कौन करता है इंडिया के अंदर, जवाब बताइए इसका नीचे कमेंट बॉक्स में। और ISI हॉलमार्क और एगमार्क ये क्या अश्योर करते हैं, तो ये क्वालिटी को अश्योर करते हैं कि क्वालिटी है या नहीं, स्टैंडर्ड है या नहीं चीज़ ठीक है, या सर्टिफाइड है या नहीं, ये तीन चीज़ों को सर्टिफाइड करते हैं ये तीनों चीज़। ट्रेड वेरियंस क्या होते हैं, तो ट्रेड वेरियंस का मतलब ये होता है कि मान लिया कोई फॉरेन जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपना माल लेके आ रही है, तो उस पर कुछ टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, उस पर कुछ वेरियर लगा दिए जाते हैं कि आप इससे ज़्यादा माल नहीं ला सकते ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि मान लिया अगर कोई विदेशी कंट्री है वो सारा माल ला के इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर ला के डाल दे, तो पूरे जो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट होगी, जो उसके खुद के लोकल जो लीडर होंगे उन सबका जो है एक तरह से धंधा बोल सकते हैं वो तो चौपट हो जाएगा, इसलिए ट्रेड वेरियर्स लगाए जाते हैं ठीक है। देखिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आ सकते थे, और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए मैं सारी वीडियो पहले बना चुका हूँ, उन सारी वीडियोस में वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप कंटिन्यूअसली अगर मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं ये 1.5 महीने से, तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बार सबसे अच्छा अगर कोई आपका पेपर जाएगा तो वो SST का पेपर ही जाएगा। आप ये वीडियोज़ 2-4 बार देख लीजिए और देखिए आपको SST कितनी आसान लगने लग जाएगी ठीक है। तो देखिए आज जो है मैंने SST का आपको पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया, और यहाँ पर जो सारी वीडियोस हैं आज मैं फिनिश करता हूँ ठीक है।
तो अगर आपको कोई मदद और या चाहिए तो आप मेरे को बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मेरा जो फेसबुक पेज है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम ये चैनल है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और ये वीडियोज़ भी मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो आपको दो तीन जगह मेरी वीडियोज़ मिलती है, फेसबुक पेज में मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे और यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो लाने के लिए, और कमेंट्स में जरूर लिखते रहे, ठीक है। और बाकी शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।